नमस्कार मित्रों, स्टडी विद लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यूपी तरपलासी की तरफ से वीडियो रिजल्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं और साथ ही साथ दूसरी सूचना हम आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका यूपी तरपलासी वीडियो रिजल्ट जो है आने वाले 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, ऐसा आयोग ने आश्वासन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूपी तरपलासी में फिर से एक बार 17 जून को धरना प्रदर्शन किया जाएगा सभी अभ्यर्थियों द्वारा, जिसमें आप सभी लोग शामिल होंगे। तो सभी लोग ध्यान दें कि आपका रिजल्ट आने वाले 2 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो रिजल्ट अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से यूपी तरपलासी में महासंग्राम होगा और धरना प्रदर्शन होगा यूपी तरपलासी के अभ्यर्थियों द्वारा, क्योंकि यहां पर लगातार आयोग की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है और आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। मित्रों, लगातार आश्वासन मिले हैं और तारीख पर तारीख मिली हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया है मित्रों। और रिजल्ट जब जारी करने की बात कही जाती है तो लगातार आयोग के जो है कर्मचारियों द्वारा अभ्यर्थियों को धमकाया जाता है। फिलहाल मित्रों, अभी इसमें जो है आयोग जो है अभी ने आश्वासन दिया है, आश्वासन का वेट कर लेते हैं। उसके बाद 17 जून को फिर से एक बार धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है, वीडियो रिजल्ट को लेकर। आपका रिजल्ट रेडी है लेकिन अभी जारी नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट खबर पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट सूचना पे आते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ। नेक्स्ट अपडेट मिल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं, मंगलवार यानी कल धरना प्रदर्शन किया गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। लोक सेवा आयोग पर मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज की ताज़ा खबर है। लोकसभा चुनाव होते ही फंसे परिणाम आयोग में प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले तकरीबन हर सप्ताह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अलग अलग विषयों का परिणाम जारी किया जा रहा था, लेकिन चुनाव पूरा होते ही अन्य विषयों के परिणाम अटक गए हैं। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया। आयोग ने अब तक सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित नहीं किया है, जबकि सबसे ज़्यादा पद इसी में हैं। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट सबसे पहले जारी किया जाए, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अनुसूचित एवं मीडिया प्रभारी सुरेंद्र उपाध्याय वार्ता की है। अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है कि 31 मई से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के रिजल्ट पुनः आने शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर चयनित शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन भी यहाँ पर 11 से होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 11 तारीख से होगा। तो ऐसा यहाँ पर बताया कि चयनित शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन, जिनमें आपका हाईस्कूल इंटर के अंकपत्र प्रमाण पत्र की मूल कापी 6 प्रति लगेगी और स्नातक के 3 विषयों के अंकपत्र प्रमाण पत्र और शिक्षा स्नातक के अंकपत्र प्रमाण पत्र की मूल कापी एवं 6 प्रति भी लगेगी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। इस खबर को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे मित्रों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरी शुक्रिया।